सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजवाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, आज सुबह ही ट्वीट करते हुए ऐलान किया गया था कि मनसे शिवसेना भवन के सामने आज राम नवमी का मौका है, आज राम जी का जन्म हुआ था, इस वजह से कहीं ना कहीं जो हनुमान है वो राम जी के काफी प्यार, उन्हें राम जी के बड़े भक्त थे और इस वजह से आज राम नवमी के मौके पर शिवसेना भवन के सामने मनसे ने हनुमान चालीसा बजाया। हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां एक साफ तौर पर एक टैक्सी दिख रही है जिस पर लाउड स्पीकर लगा है, राज ठाकरे का फोटो लगा हुआ है और हनुमान चालीसा जोर जोर से बजाया जा रहा था। हालांकि आज सुबह ही ये हनुमान चालीसा बजाया गया था जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस टैक्सी को जब्त कर लिया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उस लाउड स्पीकर को हिरासत में लेकर जब्त कर लिया गया। लेकिन आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों पर मस्जिदों के अजान बजेंगे दिन के 5 बार तो उनके सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा और ऐसा ही हुआ था। दूसरे दिन कुंडला घटकों पर कई इलाकों में हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आई थी जहां मनसे नेताओं ने अपने शाखा प्रमुखों पर अपने कार्यालयों पर लाउड स्पीकर लगाए थे। इसके बाद मनसे के कार्यालय पर हमला भी हुआ था और ऐसी कई तस्वीरें कई बयानबाजी नेताओं के बीच चल रही थी जहां कहीं ना कहीं एमवीए सरकार राज ठाकरे के इस बयान के खिलाफ थी जहां का कहना था कि धन विरोधी राजनीति हो सकती है। वहीं आज जहां राम नवमी मनाई जा रही है देश भर में, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुभकामनाएं दी थी, सभी नेताओं ने इसकी शुभकामनाएं दी थी। इसी बीच राज ठाकरे की जो पार्टी है मन से, उन्होंने आज सुबह सुबह ऐलान किया था कि शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा और ऐसा हुआ भी। इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं वहां पर मुंबई पुलिस की भारी तैनाती थी, मुंबई पुलिस की सख्त तैनाती थी, ये दादर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसके बाद जब हनुमान चालीसा एक टैक्सी पर बजाया जा रहा था वहां जोर शोर से शराबा हो रहा था, मुंबई पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उस लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया और उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिसने इनका ऐलान किया है। ये पोस्टर्स लगे हुए हैं राम नवमी के मौके पर शिवसेना भवन के सामने की आप तस्वीरें देख सकते हैं। राज ठाकरे के बयान के बाद लगातार हड़कंप मचा हुआ है, जब से गुड़ी पाड़वा के दिन उन्होंने ये ऐलान किया था तब से ही जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो आक्रामक थे और उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए हम ये हनुमान चालीसा बजा कर रहेंगे और ऐसा ही हुआ। ये आज दादर में शिवसेना भवन के सामने मनसे ने साफ तौर पर हनुमान चालीसा बजाया, लाउड स्पीकर्स पर जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाया गया जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। मोहित कंबोज ने इस मामले को जहाँ शुरुआत की थी उसी के बाद राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में संबोधन देते हुए कि कहा था कि मैं धर्म अभिमानी नहीं हूँ, मैं अपने धर्म पर सिर्फ गर्व करता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, मनसे जो नेता थे उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि कह सकते हैं इसके बाद कहीं ना कहीं मनसे की पार्टी जो थी उसमें फूट दिखती हुई नजर आई, कई जो प्रमुख थे, कई जो पुणे के जो उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बातचीत जारी है। लेकिन मनसे कहीं ना कहीं किसी भी मौके पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी के बाद जो शिवसेना के नेता है संदीप देशपांडे उनका भी बयान सामने आ रहा है जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना भवन मस्जिद है क्या कि उसके सामने हनुमान चालीसा नहीं बजेगा। अगर ये धारा 144 का उल्लंघन है जहां धारा 144 लगाई गई थी जहां सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी आवाजें अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मनसे ने ये किया था जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जब्त किया। वही शिवसेना के जो नेता है संदीप देशपांडे उनका बयान सामने आ रहा है, वो पूछ रहे हैं शिवसेना वालों से कि क्या जो शिवसेना भवन है वो मस्जिद है, क्या शिवसेना वाले जो है मुसलमान है, आखिर क्यों रामनवमी के मौके पर वो हनुमान चालीसा का इस तरह विरोध कर रहे हैं। आज सुबह अचानक ही ऐलान हुआ, कल तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। कल राज ठाकरे थाने में सभा लेने वाले थे जिसे थाने पुलिस ने कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद बाला नंदगांवकर ने मुलाकात करके एक अलग जगह ठहराई थी जहां उन्होंने कहा था कि सभा होकर रहेगी। कल भी एक ट्रेलर लॉन्च किया गया था मनसे द्वारा जहां कहा गया था कि कुछ भी हो जाए सभा होकर रहेगी और 12 तारीख यानी आज से एक दिन बाद परसों ये सभा होने वाली है राज ठाकरे की, जहां वो सबको जवाब देंगे। और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि आज शिवसेना भवन के सामने मनसे ने हनुमान चालीसा बजाया था, हनुमान चालीसा के नारे लगाए गए थे, लाउड स्पीकर पर जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस तुरंत वहां पहुंची, उन्होंने सभी लोगों पर कार्रवाई की, सभी जो लाउड स्पीकर थे वो जब्त किए। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है
जिस जिन जगहों पर मनसी ने ऐसा किया है उन सभी जगहों पर पुलिस ने तुरंत पहुंचकर वहां कार्रवाई करती हुई जो लाउडस्पीकर्स थे वहां के जब्त कर लिए, उन्हें हिरासत में ले लिया और आगे ऐसा कुछ भी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार धर्म विरोधी बातें सामने आ रही है। कल ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी ये ट्वीट करते हुए बताया था कि उनके पास अब तक 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि रामनवमी के मौके पर रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए और राज ठाकरे का फोटो लगा है और ये टैक्सी जो है ये पूरे इलाके में घूम रही थी, शिवसेना भवन के आसपास घूम रही थी, शिवसेना भवन के आसपास घूम रही थी। हनुमान चालीसा के नारे गूंज रहे थे, हनुमान चालीसा बज रहा था और ये टैक्सी आसपास घूम रही थी शिवसेना भवन के सामने। जिसके बाद मुंबई पुलिस की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। राम नवमी के मौके पर आज राम जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी जो राम जी के बड़े भक्त कहे जाते हैं उनकी पूजा कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने कहा था कि हनुमान चालीसा भजवाया जाएगा हर इलाकों में और मनसे नेताओं ने इन सभी चीजों का पालन किया और आज शिवसेना भवन के सामने दादर में ये बजाया गया। जिसके बाद संदीप देशपांडे पूछ रहे हैं ये कार्रवाई के बाद कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है, आखिर उन्हें तकलीफ क्या है हनुमान चालीसा बजने से, वो हिंदुत्व का आखिर पालन क्यों नहीं करते, आखिर क्यों इनका विरोध किया जाता है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी जब अजान बज रहा था तब उन्होंने बीच में ही अपना भाषण जो था वो रोक लिया था अजान को महत्व देने के लिए। कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के जो नेता है उनका कहना है, एनडीए सरकार के जो नेता है उनका कहना है कि ये जो राजनीति की जा रही है ये धर्म विरोधी की जा रही है। राज ठाकरे जो है वो भाजपा का साथ दे रहे हैं, भाजपा नेता भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है जहां उनका कहना है कि मस्जिदों के जो लाउडस्पीकर्स हैं उनका जो समय सीमित किया जाना चाहिए। कहीं ना हनुमान चालीसा के साथ साथ गायत्री मंत्र बजाने का भी कई जगहों पर ऐलान किया गया है। मनसे ने कहा है कि हनुमान चालीसा हम बजाएंगे। हम आपको कुछ देर के लिए राज ठाकरे का एक बार वो बयान सुनाना चाहेंगे जहां उन्होंने कहा था कि गुड़ी पाड़वा के दिन की अगर हमें तकलीफ हुई तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। उसके दूसरे ही दिन इसका पालन किया गया और उसके बाद तुरंत पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की। तीसरे चौथे दिन लगातार ऐसा हुआ और कार्रवाई की जा रही है और आज भी ऐसा ही हुआ। शिवसेना भवन के सामने जब हनुमान चालीसा बजा तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाउडस्पीकर जब्त किए। राज ठाकरे की फोटो लगाकर ये मनसे ने जो टैक्सी थी उस पर एक बड़ा सा लाउडस्पीकर लगाया था और इस पर जोर जोर से हनुमान चालीसा बज रहा था पूरे इलाके में और वो टैक्सी पूरे इलाके में घूम रही थी। लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाही आहे, मी धर्माभिमानी आहे, माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।